సార్ వన్ సెకండ్ అన్న ఫోన్ ఎజాన్ స్కూల్ తొలి చౌకీని एक पेरेंट के कंप्लेंट पे एक रेप का एफ आई आर इशू किया गया है। उसमें आज वो उसी स्कूल का काम करने वाला एक जिलानी नाम का आदमी को आज अरेस्ट करे। अब हमारे गोलकोंडा पीएस एसीपी अशोक चक्रवर्ती, इंस्पेक्टर मुनावर और उनके स्टाफ जिलानी को आज अरेस्ट करके आज रिमांड में उनको प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसमें जो 4.5 साल की जो बच्ची पे बलात्कार किया गया है उसी के आइडेंटिफिकेशन पे ये आज ये आदमी को रिमांड पे भेजा रहे हैं। ये जो लड़की है ये ट्रीटमेंट के बाद ही अभी एकदम सेफ है और आज या कल उनको हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज करने वाले हैं। सर रेप हुआ बोली कंफर्म है? यस यस, सेक्शुअल असॉल्ट तो कंफर्म हुआ 100%। तो उस हिसाब में मैं उसके बारे में एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे सकता क्योंकि वो डॉक्टर का डोमेन है और डॉक्टर के जो भी रिकमेंडेशन है वो एफएसएल को जाएगा। बाकी के जो भी मटेरियल एविडेंस है एग्जामिनेशन के लिए वो आने के बाद डेफिनेटली चार्जशीट फाइल किया जाएगा। इसमें ये जो केस है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम लोग जज साहब से रिक्वेस्ट करके ये जल्द से जल्द इसका ट्रायल कंप्लीट कराने के बाद जो अक्यूज है उसको सज़ा मिलने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। सर केस कितना पे बुक हुआ? केस सिर्फ एक ही अक्यूज एक ही है। स्कूल मैनेजमेंट? स्कूल मैनेजमेंट इस केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअल ऑफेंस है। ये जो सेक्शुअल ऑफेंस है वो 1-to-1 है। ये जो अक्यूज जिला नहीं है उसी को अरेस्ट कर रहे हैं, एफ आई आर में भी उसी का नाम। सर इससे पहले मालूम हुआ था कि इससे पहले भी स्कूल में ऐसा ऑफेंस हुआ था जिसको मैनेजमेंट दबाया और करने वाला जिला नहीं ही है बल्कि इससे पहले भी इन करने के बाद भी मैनेजमेंट इसको नहीं हटाया मैनेजमेंट से, तो इसके ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ केस हो सकता है। एक मिनट, इसी मैनेजमेंट और इसी कॉलेज और इसी स्टाफ मेंबर के ऊपर हमारे को तो पुलिस स्टेशन में किसी ने कंप्लेंट नहीं दिया, ना पेरेंट दिए ना स्कूल के मैनेजमेंट दिए। अगर से कोई पेरेंट अगर से इस तरह का कंप्लेंट देता तो जैसा ये एफ आई आर इशू आए उसी तरह वो भी एफ आई आर इशू होने वाला था। लेकिन अब पेरेंट्स अगर से होके नहीं करे कंप्लेंट तो वो पेरेंट्स का गलती है, कभी नहीं रहना चाहिए ऐसा। वो पेरेंट्स का गलती है फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी बच्ची पे इस तरह का हादसा हुआ तो कोई पेरेंट नहीं देता तो पेरेंट को ब्लेम करना चाहिए फर्स्ट, स्कूल मैनेजमेंट को नहीं। वो पेरेंट का भी इतना ही जिम्मेदारी है, किसी बच्चे पे इस तरह का हादसा होता तो पेरेंट को भी देना चाहिए ना। पुलिस की भी सुमोटो ले सकता ना सर, पुलिस भी तो ले सकता है, पुलिस बुक तो सुमोटो केस भी हो सकता सर। और पेरेंट अगर कंप्लेंट नहीं कर रहा सुमोटो केस नहीं सर, पेरेंट्स अगर कंप्लेंट नहीं भी करा होगा जब तो आप ये कंफर्म हो गया कि सर कि उससे पहले भी उन्होंने करा था मेरे को, हमारे को कोई कंफर्मेशन था तो एफ आई आर इशू करते। आज भी अगर से वो पेरेंट्स आके कंप्लेंट दिए तो जरूर आज भी करेंगे केस। सर कोई मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ है? मैनेजमेंट के यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ बैठे हुए दोनों सर। आपकी इन्वेस्टिगेशन में जिलानी तो कौन बैठे हुए दो में? आप कहाँ से हैं? उनके पेरेंट्स के साथ मेरा बहुत देर तक बात हुई है। पेरेंट्स के डेफिनेटली एलिगेशन है, दो घंटे तक मैनेजमेंट उनसे कोऑपरेट नहीं किया। फिर बाद में वही लोग बोल रहे हैं कि एक्यूज को आइडेंटिफाई करके फिर हैंड ओवर करें पुलिस को, इस तरह के वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये पूरा मालूम होगा कि कौन कोऑपरेट किया नहीं किया, वो अलग केस है। ये केस को हटके अपन डाइवर्ट होके करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये केस इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे के साथ जो हुआ ये एक्यूज जो है उसको बिल्कुल सजा मिलना चाहिए, उसी पे हम लोग काम करेंगे। सर अगर इन्वेस्टिगेशन में जिला डेफिनेटली जिलानी जो है उसको हम लोग पुलिस कस्टडी में इसको लेंगे, पुलिस कस्टडी में डेफिनेटली इसको इंट्रोगेट करके मालूम करेंगे कि इस तरह का अगर से ऑफेंसेस वो पहले भी कर चुका है तो डेफिनेटली वो अलग एफ आई आर इशू करेंगे। सर कुछ लोग सोशल मीडिया पे बच्ची का फोटो भी वायरल कर दिया। आप ही लोग बच्ची का नाम तक नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। बच्ची का नाम भी नहीं, माइनर बच्ची के साथ अगर से इस तरह का हादसा होता तो बच्ची का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन थोड़े लोग बच्ची का फोटो भी वायरल करें, बच्ची का फोटो भी गलत है। इस तरह का काम मतलब
थोड़े लोग मालूम होके कर रहे हैं, थोड़े लोग नहीं मालूम होके कर रहे हैं, लेकिन सबका जिम्मेदारी बनता हम सबका कि इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स हैं ये पब्लिसाइज करने का इंसिडेंट नहीं है। बच्ची का फोटो या नाम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप ही नहीं जितने भी लोग ये देख रहे हैं, ये इस तरह का इंसिडेंट होता तो बच्ची का फोटो कभी भी ये बाहर नहीं आना चाहिए, ना प्रेस में आना चाहिए। इम्पोर्टेंट मतलब इंसिडेंट है, काफ़ी लोग ये मैनेजमेंट पे एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन जितना पुलिस तक इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, ये केस है, वी आर ओनली कन्फर्म टू द एक्यूज्ड ऑफ दिस रेप। जो मैनेजमेंट का इसमें अगर से किसी तरह का उनका भी लैप्सेस है, उनके तरफ से कोई मिसकॉन्डक्ट है, तो वो ऑलरेडी कलेक्टर से मैं बात किया, वो डी ओ भी विजय कलेक्टर साहब उनसे भी मेरा बात हुआ है, तो अगर से इसमें लैप्सेस है तो स्कूल को मतलब किस तरह का एक्शन लेना है वो डिपेंड्स ऑन द, ये तो मैनेजमेंट का आदमी है ना सर, उनके स्कूल में काम करता नहीं है, वो लोग बोलने से क्या होता 100 बोलते हो लोग हो जाता, वो लोग बोलते जिलानी का जैसा आदमी नहीं है तो हो जाता क्या सर? इन्वेस्टिगेट ना, पुलिस है, हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो किधर काम कर रहा, क्या कर रहा, ऑलरेडी ऑन फाइल है, वो उसका रिमांड रिपोर्ट में ही है। आपके इन्वेस्टिगेशन में कुछ लैप्सेस नहीं था सर स्कूल के अंदर? वो मैं नहीं बोल सकता, वही बोल रहा हूँ, उसके एडुकेशन डिपार्टमेंट के क्या गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, अगर से जिलानी ऐसा नाम का आदमी को उसका वेरिफिकेशन करके अगर से वो लोग एम्प्लॉयमेंट दिए, वो ज़रूरी है नहीं है ये भी मैं डिस्कस किया कलेक्टर साहब से, इसलिए वो पूरा काम वो डीओ को इंटरेस्ट किया, वो मैडम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन इस पर, अगर से लैप्सेस है तो डेफिनेटली शी विल फाइल अ रिपोर्ट बिफोर द कलेक्टर। नॉट द पेरेंट वांट, नॉट आवर एंटायर सोसाइटी, इट इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट, सच इंसिडेंट शुड नेवर हैपन। अगर से स्कूल में इस तरह का हादसा हुआ तो डेफिनेटली इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द एंटायर सोसाइटी। पेरेंट्स का इतना जिम्मेदारी बनता है डेफिनेटली, जब इतने छोटे बच्चे स्कूल को भी जा रहे, बच्चे या नहीं आजकल बेटे भी है, एनी चाइल्ड हु इज गोइंग टू स्कूल, वापस आने के बाद पूछना चाहिए कौन सा टीचर है, कौन सा स्टाफ मेंबर ऑफ द स्कूल किस तरह है उनसे बिहेव कर रहा। स्कूल का स्टाफ ही नहीं, ऑटो का ड्राइवर हो सकता, बस का ड्राइवर हो सकता, उनके खुद के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जो ड्रॉप करके वापस लेके आ रहे हैं। ये दिस कैन हैपन विद एनीवन। थोड़े आप रिसेंटली देख रहे हैं सम ओन पेरेंट्स आर मिसबिहेविंग विद द चिल्ड्रन, सो मदर शुड बी वेरी केयरफुल, आफ्टर ऑल मदर इज अ मदर, सो शी हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, शी हैज़ टू डिस्कस विद द चाइल्ड एस्पेशली व्हेन दे आर वेरी यंग एंड स्मॉल, तो किस तरह का मतलब फीलिंग है, कैसा उनका टच है किसी का, कोई हाथ अगर से बच्ची के ऊपर हाथ डाल रहा तो कैसा टच है, अफेक्शनेट टच है या ये इसी बुरे नज़र से कोई मतलब हाथ डाल रहा, तो इस तरह का डिस्कशन मतलब रेगुलरली स्पेशली मदर्स अपने बच्चों के साथ करना चाहिए, एंड एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स मैं यहीं पे देख रहा अभी लास्ट वन मंथ में वेस्ट जोन में कम से कम एक 4-5 केसेस इस तरह के रजिस्टर में जो माइनर्स पे हो रहे हैं, तो इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग, एंड पूरा सोसाइटी को सोचना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स, एवरी पेरेंट शुड थिंक अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर करेंगे, ऑलरेडी सोच रहे हैं।